नमस्कार, चुनावी घुमक्कड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और इस वक्त मैं हूं अंबेडकर नगर जिले के कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में। कटेहरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये अंबेडकर नगर का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के शंखलाल मांझी ने यहां इस सीट पर बीएसपी के लालजी वर्मा को चुनाव हराया था। हालांकि इस बार शंखलाल मांझी जलालपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जयशंकर पांडे। देखा जाए तो शंखलाल मांझी सपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। खैर, अब मौका जनता के पास है क्योंकि जनता पिछले 5 सालों का हिसाब मांग रही है, अपने वोट का हिसाब मांग रही है। इसलिए तमाम जो लोग हैं यहाँ के वो मेरे साथ मौजूद हैं और अलग अलग दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले महिलाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के लिए इस सरकार ने और यहाँ के विधायक ने जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए, महिलाओं के विकास के लिए कितना काम हुआ। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए आपके विधायक और यहाँ की सरकार ने क्या कुछ किया। यहाँ का विधायक तो कुछ नहीं किए सर, और हम लोग इनके पार्टी से हैं। आप बताइए महिलाओं के लिए क्या कुछ हुआ यहाँ पे। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ हमारे सबके लिए, महिलाओं के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पवन सिंह हैं। पवन जी, आपने इन महिलाओं की बात सुनी। ये लोग बोल रही है कि महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है किस तरीके से महिलाओं के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने 1090 वुमेन पावर लाइन, इसके अलावा तमाम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हुए आपके ऊपर। देखिए, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर जो तमाम सवाल खड़े हुए उसी का नतीजा है आज 10 से 15 मिनट के भीतर हमारा डायल 100 नंबर की गाड़ी तुरंत पहुंचती है, तुरंत लोगों की मदद हो रही है। ऐसे में जो भी हम इतना कहना चाहेंगे, जो भी विकास के कार्य हुए, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, जो भी काम हुआ है, ठीक है, आपके दावों में कितनी सच्चाई है वो हम यहाँ की जनता से पूछेंगे। इनका ये कहना है कि डायल 100 की आने की वजह से अपराध कम हुआ है और सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने और इनके जो प्रतिनिधि हैं, अगर सपा की बात करें तो इन्होंने बहुत काम किया है। आपको क्या लग रहा है? काम तो इनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ है। हम लोग जो है बहुत, आप समझ लीजिए कि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, केवल दिखावा है बस। इंद्रमणी शुक्ला जी हमारे साथ, आपने सुना ये बोल रहे हैं कि आप लोग खाली लड़ाई करवाते हैं यहाँ पे। मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश जी के 1.5 महीने भी नहीं बीते थे कि हजरतगंज तक मार्च करते हुए इनके एक संप्रदाय के लोगों ने आग लगाया और कम से कम 100 दंगे इनके राज्य में हुए, बता रहे हैं बीजेपी के लोगों को आरोप लगा रहे हैं। और इनका काम करने का कोई मतलब नहीं होता, न कोई काम करते हैं। अभी ये बता रहे हैं तुरंत गाड़ियां पहुंचती हैं। इनकी तुरंत की परिभाषा हो सकता है 4-6 घंटे की हो, तुरंत 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे का होता है, लेकिन 4-6 घंटे के अंदर अगर ये तुरंत मानते हैं तो हो सकता है तुरंत। ठीक है, कुछ है आपके पास आएंगे। हमारे साथ निषाद पार्टी और पीस पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उनकी तरफ से इनके प्रतिनिधि हैं पूरन काशी जी। ये बताइए पूरन जी कि अगर हम कटहरी की बात करें तो पिछले 5 सालों में आपके हिसाब से कितना काम हुआ यहाँ पे? जो भी प्रतिनिधि यहाँ आया, जो शासन का गाइडलाइन था, गाइडलाइन के अनुसार जो काम होने लायक था वो काम हुआ है। तमाम गरीब लोग, पात्र व्यक्ति जो थे वो लाभ से वंचित रह गए हैं, कुछ को मिला है, कुछ वंचित रह गए। ठीक है, बीएसपी के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आ चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि मायावती ने इस जिले को बनाया था, आपको क्या लग रहा है कि बसपा ने यहाँ पर सबसे अच्छा काम किया या समाजवादी पार्टी ने? बहुजन समाज पार्टी ने जिले से लेकर के विकास तक के जितने भी अंबेडकर नगर में विकास हुए हैं सारे विकास बहुजन समाज पार्टी ने किया है। 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार चलते हुए बीत गया है, 3 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलते हुए बीत गया है। आज तक अंबेडकर नगर का नगर में कोई विकास काम नहीं हुआ, जो भी विकास हुआ बहुजन समाज पार्टी ने किया। चाहिए आप बताइए कि बसपा के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर विकास का जो भी काम हुआ बसपा ने कराया है, आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ के पूर्व विधायक शंखलाल मांझी जी ने लगभग 1200 करोड़ रुपए सरकार द्वारा लाके इस क्षेत्र का विकास कराया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बहुत ही विकास कार्य किए हैं। ये तो विपक्ष हैं, कुछ भी कहते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, बहुत विकास कार्य हुए हैं अम्बेडकर नगर में। उत्तर प्रदेश में एक बार मायावती को हटाओ, दूसरी बार मुलायम को हटाओ, यही चलता रहा। ये दोनों मिल करके अभी जो बसपा के मंत्री यहाँ रहे हैं राम अचल जी,
उनके ऊपर लोकायुक्त ने जांच किया, रिपोर्ट दर्ज हुई है, और ये जो हमारे सपा के मित्र हैं उनके ऊपर जो मुकदमा चलाया जाए इस प्रकार की इनकी सरकार ने अनुमति नहीं दिया। चोर चोर मौसेरे भाई मिल करके ये काम करते हैं। बोलिए, मैं लोगों से पूछ लेता हूँ, इन्होंने कहा कि एक रुपए की पर्ची में सब कुछ, एम्बुलेंस से लेकर अल्ट्रासाउंड सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मेरे साड़ू की लड़की मेरे घर पर आई थी, छत से गिरी है, एक पैसा नहीं लगा, लखनऊ तक एम्बुलेंस लेकर गई है। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं, आप बताइए। बताओ स्वास्थ्य कटहरी की, इन्होंने कहा कि एक रुपए की पर्ची का जवाब देना, एक रुपए पर्ची की। कटहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी 5 तारीख को कटहरी में घटना हुआ है, 3 बजे का समय था, अस्पताल में डॉक्टर नहीं थी, महिला ने दम तोड़ दिया, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। बिजली की बात करेंगे, क्योंकि बिजली को लेकर भी कई तमाम सवाल खड़े हुए हैं। बिजली की व्यवस्था कैसी है कटहरी की बात करें, कटहरी विधानसभा क्षेत्र में कैसी व्यवस्था है बिजली की? जी सर, आज वर्तमान में जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से मैं देख रहा हूँ अखिलेश सरकार ने 12 घंटे से 24 घंटे बिजली की घोषणा की है। इसके पहले 10 घंटे 5 घंटे बिजली हमारे यहाँ आती थी। पवन सिंह जो सपा की तरफ से, इन्होंने कहा कि जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से बिजली आनी शुरू हुई, उसके पहले बिजली नहीं आती थी यहाँ पे। बिजली की स्थिति हमारे सभी साथी यहाँ जो गांव, आप किसी भी गांव में जाके सर्वे कर सकते हैं, बिजली की स्थिति पिछली सभी सरकारों से जितना दुरुस्त हुआ है, हमें लगता है 16 से 18 घंटे गांव में बिजली लगातार मिल रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, एक बात। दूसरी बात, इस क्षेत्र से एक गुंडा, एक आपराधिक चरित्र का आदमी चुनाव लड़ रहा है, और दूसरा बसपा का जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वो मंत्री रहे हैं, उनका भी अपराध से बहुत बढ़िया संबंध है, वो सारे अपराधियों को पालते पोसते हैं। बसपा और सपा दोनों की, सपा और ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी लोग, ये चुनावी फायदा लेने के लिए ये सारे षड्यंत्र रहे हैं और सारी घटनाएं करवा रहे हैं। ये लोग स्वयं गुंडे हैं और गुंडा माफिया का स्वर देते हैं और कानून व्यवस्था पर ये लोग उंगली उठाते हैं। अगर बात करें कटहरी की, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा ग्रामीण इलाका है, बहुत सारे किसान भी होंगे। किसानों के लिए सरकार ने कैसी व्यवस्था की है? किसानों के लिए बोलिए, किसानों के लिए कैसी व्यवस्था? किसानों के लिए सरकार ने कुछ व्यवस्था नहीं की, कोई काम नहीं हुआ, सिंचाई सिंचाई कोई काम, किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। नोटबंदी की वजह से हम लोग जो है खाद बीज नहीं ले पाए हैं, किसी का काम बर्बाद हो गया है। आपने सुना, आप बीजेपी से हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है। इनका कहना है कि नोटबंदी की वजह से किसान परेशान हुए हैं। नहीं, देखिए जो कह रहे हैं, नोटबंदी के नाते किसान परेशान हुए हैं। आज नोटबंदी का फल किसानों को मिल रहा है, डीएपी के दाम घटे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और लाइनें अगर लगी हैं तो 500 लाइन, मिट्टी के तेल की लाइन, खाद की लाइन। बहुत सारे युवा है यहाँ पे, उनसे बात करेंगे कि आखिर शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ता है, क्या शिक्षा की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से मुकम्मल है कटहरी में, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ का व्यवसाय हूँ। अगर मंत्री जी, शिक्षा के लिए जो यहाँ के बच्चे हैं कहाँ जाते हैं पढ़ाई करने? सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज नहीं है, सिर्फ प्राइवेट स्कूल है सब। हाँ। जो भी है प्राइवेट संस्था है, सरकारी कॉलेज कोई नहीं है। और शिक्षा चिकित्सा मंत्री थे, यहाँ पे विकास नहीं किया तो क्यों जलालपुर भाग गए? विकास को लेकर सभी दलों के अपने दावे हैं। बसपा का ये कहना है कि जो बसपा का विकास मॉडल था वो सबसे बेहतर था। सपा की तरफ से जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये दावा किया है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि दोनों ही सरकारें बेकार थी, दोनों सरकारों ने कुछ नहीं किया। हालांकि समस्याएं निश्चित तौर पर, जाहिर सी बात है कि समस्याएं यहाँ भी है, लेकिन उसको लेकर कितना काम हुआ है ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कटहरी विधानसभा से चुनावी घुमक्कड़ में बस इतना ही।